वंदे मातरम् सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम् शस्यश्यामलाम् मातरम् वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुवासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। गांधी जी से मेरी मुलाकात, जब आर्जी कौमी हुकूमत सन 46 में बन गई तो जवाहरलाल जी ने सारे एशिया के मुल्कों को दावत दी कि एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करके एशियाई मुल्कों को, पूर्वी मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, जैसे मगरबी मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठी हैं, हमें अपना एक महाज बनाना चाहिए अपने हकूक़ की हिफाजत। ये हल्का हल्का इनका ये वाक़या है। जब सन 45 में नेता लोग छूटे, सन 41 में रामलीला ग्राउंड में महात्मा गांधी का प्रवचन हुआ और वो ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये होता था और वो शुरू। उस वक्त तो मैं सिर्फ एक वॉलंटियर था, मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं गांधी जी के करीब जाऊं, हालांकि वहाँ पर भी वॉलंटियर्स का इंतजाम हमारा ही था। तो वो जो मैंने जिक्र किया, ब्रिज किशन चांदनी वाले भाई जी कहलाते थे, वो एक तरह दिल्ली कांग्रेस के महात्मा गांधी थे ओवरऑल सबके। उन्होंने मुझे बुलवाया इशारे से और कहा गांधी जी के चरण छुओ, नमस्कार करो और दो शेर सुना जाओ, दो शेर। मैंने दो शेर सुना दिए कि देखिए साहब ये कैसा छोटा सा बच्चा और कैसे शेर पढ़ता। तो मैंने वो अपना एक मशहूर शेर, इनकलाब आई ने फितरत है बदल सकता नहीं, सोजन मगरिब से ये कांटा निकल सकता नहीं, ये सुनाया। और एक वो देशभक्ति का कि किसे हुब्बे वतन कहते हैं, ये सबको सिखा दूंगा। ये मैं दो तीन शेर सुनाए और नमस्कार किया और मगर उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। ये वाक़या मेरे दिमाग में रह गया सन 41। अब 45 में जब गांधी जी छूट के आए तो फिर बड़ा भारी उनका इस्तकबाल, यहीं इसी इत्तेफाक से हमारे पड़ोस में रामलीला ग्राउंड में ही फिर उनका हुआ। अब जो हुआ, गंधर्व महाविद्यालय से आर्टिस्ट बुलाए गए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये भजन गाने के लिए, जो वो गांधी जी को पसंद था। और उस वक्त कृष्णा नायर प्रेसिडेंट और राधा रमन वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि आज हम गांधी जी से आपको मिलाएंगे। तो जनाब ब्रजकिशन चांदी वाले, लाला श्यामनाथ, राधा रमन और ये लोग, इन्होंने अपना वादा पूरा किया और मुझे मिलवाया के साथ। ये नौजवान ज़रा सी 9-10 बरस की उम्र से बिल्कुल एक वॉलंटियर की हैसियत से, वर्कर की हैसियत से सारे स्कूलों में और कॉलेजों में 1936-37 से हमारे साथ जलसे करता है, मुशायरे कविताएं पढ़ता है, पढ़वाता है, और हम लोग भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर जलसे में से बुलाते हैं। ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पॉपुलर है, चूँकि इसके फादर भी बहुत बड़े शायर हैं, उस्ताद हैं और उर्दू फारसी अरबी के भी माहिर हैं, संस्कृत और 7 ज़बानें मेरे वाले जानते थे। तो इसलिए ये भी इनकलाबी शायरी करता है, इसलिए हम इसको हर जगह अपने साथ रखते हैं। अरुणा जी जो है वो इसकी चीफ पैटर्न है, उन्होंने इसको नेहरू सम्मति का इंचार्ज बना दिया था। तो जब से गांधी जी ने कहा कि आप भंगी कॉलोनी आइए, बस मैं और मीर मुश्ताक अहमद 2-3 दिन बाद भंगी कॉलोनी में वो ठहरते थे। ओ वह बड़े उमंगे लेके, बलबले लेके, शौक लेके गांधी जी ने बुलाया, गांधी जी ने बुलाया। सारे मोहल्ले वाले जो थे वो जनाब मुझे कोई लड्डू खिला रहा है, कोई जनाब मेरी दावत कर रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई कुछ, अरे गांधी जी के पास जाएगा, गांधी जी के पास। एक 25-30 आदमी सीताराम बाजार के पुराने कांग्रेसी, हौस काजी के कांग्रेसी, अजमेरी गेट का कांग्रेसी, वो भंगी कॉलोनी में गेट के बाहर तक मुझे छोड़ने आए। अब ये सब काफिला बाहर है, मैं और मीर मुश्ताक अरुणा जी के साथ अंदर गए। वहाँ
बैठे। उन्होंने फिर मेरे बारे में पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। मैंने बताया साहब कि जवाहरलाल नेहरू के ख़ानदान से हमारा ताल्लुक है, हम कश्मीरी पंडित हैं, मुसलमानों में इसलिए पॉपुलर हैं कि शाहजहां ने हमारे बुज़ुर्गों को बुलाया था 350 साल पहले और जागीरें दी थी। जब से ये लोग शहज़ादों की तालीम और तरबियत के लिए आए थे, मेरे वालिद तक उर्दू फारसी अरबी पढ़ाते रहे। रिटायर होने के बाद भी 39 बरस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे वाले अल्लामा पंडित त्रिभुवननाथ जोशी ज़ार देहलवी ने पढ़ाई। तो इसलिए तो मुसलमान इनकी इज्जत करते हैं। और ये शेखुल इस्लाम को भी प्यारा है, कोई जलसा होता है जमीयत का या दारुल उलूम का तो वो शायरों में किसी मुसलमान शायर को या किसी बड़े वेटरन को नहीं बुलाते, हमेशा इसको याद करते हैं। कांग्रेस की तरह जमीयत उलमा वाले भी इसी को आगे बुलाते। बहुत खुश हुए, क्या करते हो। मैंने बताया साहब अभी अभी मैं MA LLB का कोर्स मैंने किया है और दिल्ली क्लॉथ मिल के जो बालिक है लाला सर शंकर लाल, उन्होंने अपना एजुकेशनल और कल्चरल एडवाइज़र बना के मुझे रखा था। फिसादात हो गए, फिसादात में मुझे जवाहरलाल जी ने सेंट्रल पीस कमेटी का मेंबर बना दिया, सेंट्रल कंट्रोल रूम दिल्ली का मेंबर बना दिया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स फोर्स वॉलंटियर्स का इंचार्ज बना दिया। अमन बहालियात में मेरे 5-6 महीने इसमें लग गए कि घर भी नहीं जाता था 3-3, 4-4 दिन। बड़ी दुआएँ दी, बड़े कहने लगे बड़ी इज्जत पाओगे, बड़ी शोहरत पाओगे और एक ज़माने में तुम्हारा कलम की आबरू होगी, और जिस तरह तुम उस्तादों के नाम ले रहे हो बुजुर्गों के, तुम्हारा नाम लेंगे लोग। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। ईश्वर की कृपा से, खुदा की मेहरबानी से ये हुआ क्या कि हम सिमले पहुंच गए और अपने फुफेरे भाई कंवर ब्रह्मनाथ मदन साहब के वजह से 2 सिक्योरिटी वाले हमें मिल गए और वो हमें छोटा सबला ले गए जहाँ गांधी जी की तकरीर होनी थी। अब मैं तो खैर बचपन से ये चूड़ीदार पजामा आजकल और नेहरू कैप और सलीम शाही जूती पहनता हूँ, तो मुझे जानते भी थे उस वक्त, तो सभी लोग जानते थे। आज तो खैर वो जनरेशन नहीं है, उस ज़माने में तो हर आदमी मुझे जानता था। और वो एक तिरंगा झंडा हम लोगों को मिलता था प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, जिसमें गांधी और नेहरू की फ़ोटो होती थी, वो भी मैंने लगाया हुआ था। नतीजा उसका ये हुआ कि जब हम वहाँ पहुँचे तो आइए आइए, वहाँ प्रदेश कांग्रेस के भी कुछ आदमी मिल गए। लाला पिंडी दास पंजाब के एक बहुत बड़े लीडर थे, जिनके बेटे मिस्टर प्रभात पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हुए, उनकी लड़की यहाँ ड्रामों में हमारे साथ दिल्ली में पार्ट लेती थी, वो जंगपुरे में आके ठहरे। लाला पिंडी दास वहाँ के बहुत बड़े, लाला पिंडी दास ने मुझे देख लिया और लाला पिंडी दास की मेहरबानी से हम स्टेज तक पहुँच गए। और स्टेज पर पहुँचने के बाद हमने अपनी एक कौमी नज़्म सुनाई, चंद शेर। बस इतनी देर में जलसे का ऐलान हुआ, वो सारे जहाँ से अच्छा वो तराना गाया गया, एक हिंदी का वो डॉक्टर टैगोर का गाना गाया गया, सुबलाम शुकलाब वाला वो हो गया वंदे मातरम। उसके बाद शुरू हो गांधी जी की तकरीर। गांधी जी से वहाँ मुलाकात हुई और बहुत खुश हुए कि भाई यहाँ कैसे आए। मैंने कहा साहब यहाँ एक कौमी मुशायरा था, तमाम पेट्रियाट और नेशनलिस्ट पोइट्री करने वाले कौमी शायरों को बुलाया गया था, मुझे भी बुला लिया तो मैं भी हाज़िर हो गया, तो वो बड़े खुश हुए। अब चौथी मुलाकात अजीब गरीब हुई, जब वो पार्टीशन के बाद दिल्ली आ गए और अब के भंगी कॉलेज में नहीं ठहरे, हमेशा भंगी कॉलेज में ठहरते थे, वहाँ आसानी से अब पहुँच जाते थे, अब वो ठहरे बिरला हाउस में। तो बिरला हाउस में सब, हमने फ़ोन किया तो वहाँ सब जानते ही थे हमको, कहले भाई गांधी जी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, वो हर एक आदमी आ जा सकता है, बस मामूली सी सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं, वो देख लेते हैं कि हाँ पुराना कोई कांग्रेसी है, वो किसी को इतराज तो वो जाने देते हैं। गांधी जी तो मना करते हैं कि किसी की तलाशी भी मत लो, वो तो इतने आदर्शवादी थे। तो जरा एक वर्त वहाँ पहुँचे तो वो बड़े स्वस्थ थे, अपना प्रवचन किया और वही राम धुन जो गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान मेरे साथ थे,
میرے سامنے مولانا حضرت الرحمان نے کہا کہ صاحب اس سے تو ہم متفق ہیں کہ ایشور اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان, یہاں تک تو ہم متفق ہیں. مگر وہ جو آگے ہے کہ جس میں اگلا ٹکڑا جس میں وہ آتا ہے پتیت پاون سیتا رام, کہہ رہے صاحب یہ ہم کیونکہ ہم تو خدا کو نراکار مانتے ہیں, قل ھو اللہ احد اس کا آکار نہیں ہے, تو ہم یہ پتت پاون سیتا رام کا ٹکڑا ہم نہیں گائیں گے, یہ میرے سامنے مولانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو اس دن کہہ لے کہ میں یہ چھوڑ دیتا ہوں پران. گاندھی جی نے اب یہ ایشور اللہ تیرے نام گایا گرگایا اور اس دن اس کو کہا کہ یہ مت کرو. یہ ملاقات ہوئی, اس کے بعد اب ہم بزی ہو گئے, فسادات شروع ہو گئے. اسی دوران وہ گوڈسے والا حادثہ ہو گیا, دوسرا ارمان رہ گیا کہ گاندھی جی سے جا کے ملے, پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی ڈیتھ میں جا کے ہم شریک ہوئے اور ہم نے راج گھاٹ تک ان کے جلوس میں ہم گئے. سارے جہاں سے اچھا دوست تھا ہمارا.